आज के हमारी इस ऑनलाइन में हम एक माइक्रो बनाने जा रहे हैं वीवीए प्रोग्रामिंग के थ्रू, जो कि फोल्डर एंड फाइल्स क्रिएट करेगा ऑटोमेटिकली डेट के हिसाब से। तो पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर उसकी प्रोग्रामिंग और उसकी कोडिंग को समझेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे जो है डेटा डाउनलोड करना पड़ता है पर डे, राइट सर? पर डे एक लोकेशन से डेटा डाउनलोड करना पड़ता है। तो जनरली क्या है, आप लोग जब डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है कि जब गए और डाउनलोड पे क्लिक कर दिए, आपका फाइल डाउनलोड हो गया। लेकिन मेरा सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम है कि मुझे जब डाउनलोड करता हूं तो मुझे फोल्डर का लोकेशन देना पड़ता है कि किस फोल्डर में आपको, किस फोल्डर के किस फाइल में आपको सेव करना है। मतलब कि मेरा सॉफ्टवेयर किसी भी तरह का फोल्डर क्रिएट नहीं कर पाता है, ठीक है, किसी भी तरह का फाइल क्रिएट नहीं कर पाता है। मुझे फाइल क्रिएट करके, मतलब कि मैं पहले जहां पे, जिस लोकेशन में मैं डेटा को सेव करना चाहता हूँ, वहां पे जाके सबसे पहले न्यू करके और एक वर्कबुक को क्रिएट करता हूँ, और जैसे आज का डेट अगर 29 है तो उसका नाम 29 डाल देता हूँ। फिर मैं जब सॉफ्टवेयर को रन करता हूँ तो मुझे इस 29 का को सेलेक्ट करना पड़ता है, तो सॉफ्टवेयर इसके अंदर डेटा डाउनलोड कर देता है। ठीक है सर? तो प्रॉब्लम क्या है कि हर दिन मुझे एक फाइल क्रिएट करना पड़ता है, और फिर फाइल को हम अरेंज कुछ इस तरह से करते हैं कि हम सबसे पहले डी ड्राइव में जाते हैं, और ईयर हमारा 2019 चल रहा है तो 2019 का फोल्डर क्रिएट करते हैं। फिर 2019 के अंदर में जाते हैं, आज का डेट मान लीजिए, आज का डेट, आज का डेट अगर 29 जनवरी है, मतलब कि महीना 1 है, फिर राइट क्लिक करके हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम जैन या 1 रखते हैं। फिर इसके अंदर जाते हैं, आज का डेट 29 है तो राइट क्लिक करके फोल्डर में जाते हैं, इसका नाम, इसका फोल्डर नेम 29 करते हैं, और फिर इसके अंदर हम एक राइट क्लिक करके एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम 29 करते हैं। ये मुझे डेली बेसिस में करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि मैं बस मैक्रो को रन करूं, सबसे पहले चेक करें कि डी ड्राइव में 2019 का फोल्डर है या नहीं है। अगर है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो 2019 का फोल्डर क्रिएट कर दे। फिर 2019 के अंदर में चेक करें कि अगर आज का डेट अगर 29 जनवरी है, तो जनवरी मतलब पहली महीना है, तो जनवरी का फोल्डर है या नहीं है। अगर है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो क्रिएट कर दे। और फिर मैं जनवरी के फोल्डर में जाकर चेक करूं कि 29 का फोल्डर है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो 29 का फोल्डर क्रिएट कर दे, और 29 के फोल्डर में मेरा 29 नाम के फाइल से, या जो भी डेट सिस्टम डेट होगा उसके डेट के अकॉर्डिंग मेरा फाइल क्रिएट करे। प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको सर? हाँ जी सर। अब चलिए इसका माइक्रो बनाते हैं। तो डेवलपर टाइप में हम पहले जाएंगे विजुअल बेसिक। पहले से एक माइक्रो है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, और एक नया मॉड्यूल्स ऑलरेडी इंक्लूड है तो इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। क्रिएट, हाँ बोलिए। कुछ बोल रहे थे सर? ये हमने माइक्रो बना दिया, माइक्रो नेम में हम अंडरस्कोर लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें कहीं पे स्टोर करना होगा हमारा आज का सिस्टम डेट। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक ये है, डेट होता है, जैसे कि एक्सेल में, नॉर्मल एक्सेल में आपके पास होता है टुडे। टुडे क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट देता है, देता है ना सर? तो टुडे आपका एक्सेल के किसी एक सेल पे चलता है, और इसी एक्सेल में आपका डेट होता है। डेट जो है करेंट सिस्टम डेट देता है, लेकिन डेट अपने डेट स्टोर कहाँ करेगा? जैसे कि यहाँ पे टुडे ने तो स्टोर किया I2 एक रेंज पे, एक सेल पे, बट यहाँ तो कुछ है नहीं। तो
तो यहाँ पे हम वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया वाई। वाई क्या है, जैसे मैथमेटिक्स में आप एक्स वाई जेड लेते हैं, उसी तरह से यहाँ भी आप एक्स वाई जेड ले सकते हैं, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। आम अगर मैं बताऊं उसकी डिटेल, तो होता है टेम्पररी सेविंग लोकेशन, जहां पे डेटा टेम्पररी स्टोर होता है। लेकिन मुझे ईयर चाहिए, तो मैं अगर टुडे में ईयर का फॉर्मूला लगा दूं तो ईयर अलग हो जाएगा, तो मैं भी डेट को ईयर के अंदर में रख दूं, तो यहां पे आपका डेट में से ईयर को निकाल के वाई पे रख देगा। अब वाई पे क्या स्टोर है, वाई इक्वल टू 2019, तो 2019 जो है वाई पे स्टोर हो गया। आया समझ में सर? जी किसी को कोई डाउट नहीं होने चाहिए। सर, हाँ बोलिए। एक चीज है सर, इसको हम रेंज पे क्यों नहीं स्पेसिफाई सेव करवा सकते? हमने वाई पे करवा दिया, हम रेंज कोई पे भी एक हम करवा सकते हैं, लेकिन रेंज में करवाने के बाद मतलब है कि आपका एक्सेल वर्कशीट में का एक रेंज ब्लॉक हो गया, उसको ब्लॉक रखना पड़ेगा ना, उसमें कोई डेटा वेटा अगर ओके। होगा तो उसको चेंज कर देगा वो, समझ गए ना? आप रखने को रख ठीक है सकते हैं, सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दो चीज होगी, एक तो कोड लंबा हो जाएगा, लंबा कोड लिखना पड़ेगा कि रेंज i3 डॉट वैल्यू इक्वल टू ईयर, एक लंबा लिखना पड़ेगा, और दूसरा उसको रिजर्व रखना पड़ेगा, अगर उसमें डेटा कोई है तो उसको वो रिप्लेस कर देगा, लेगा नहीं, ठीक है सर, ठीक नहीं है, लेगा क्यों नहीं, रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये वाई से डिक्लेयर करके हमने कहीं मेमोरी में, एक्सेल की हाँ सेपरेट मेमोरी में डिक्लेयर, सेव हम देखिए करवा यहाँ दिया। पे डिक्लेयर आगे चल के इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिलहाल समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स की तरह एक्स वाई जेड ले रहे हो, ठीक है ना? ठीक है सर। ऐसे यहाँ पे मैं एम ले लिया कि एम इक्वल टू, यहाँ पे ले लिया मैंने मंथ, और मंथ में हमने कर दिया डेट। तो एक्सेल की वर्कशीट फॉर्मूले को यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सारे नहीं जो सपोर्ट करते हैं, जैसे फॉर्मूला लिखोगे लिखते ही अगर ब्रैकेट दिया तो नीचे एक्सप्रेशन आ जाएगा, मतलब कि इसको वीवीए में कंसीडर कर सकते हैं। डी इक्वल टू डे, और यहां पे हमने दे दिया डेट, राइट? तो हमने डेट से वाई, मंथ और डे दो निकाल लिया, और ये ऑटोमेटिक है, डायनेमिक है कि हर दिन चेंज होगा, तो ये भी अपने आप को चेंज कर लेगा। ठीक है सर, हाँ हाँ जी जी। सर, हाँ जी। अब फोल्डर क्रिएट करने के लिए कोड देख लीजिए। देखिए एम के डी आई आर एक फंक्शन होता है जो कि फोल्डर क्रिएट करता है, तो यहां मैं आपको पाथ देना पड़ता है कि पाथ स्लैश 2019। अब क्या अगर लास्ट वाला जो पाथ होता है, जैसे कि अगर मैं फोल्डर में जाऊं, किसी फोल्डर में जाता हूं, तो ये जो फोल्डर है आपका, ये मैं 2019 के डिलीट कर देता हूँ, तो लास्ट वाला जो फोल्डर है वो लास्ट वाला फोल्डर आपका क्रिएट करता है, ठीक है ना? तो जी सर, लास्ट पाथ फंक्शन के, इस पाथ के जो लास्ट में लिखा हुआ लोकेशन, उसको क्रिएट कर देता है। मतलब कि हम यहां लिखेंगे एम के डी आई आर 2019, दे हाँ एम के डी आई आर 2019 के अंदर में मैंने बोल दिया कि वन, फिर मैं इसको अंदर बोलूंगा कि स्लैश वन स्लैश 29। तो इस तरह से क्या होगा कि पहले 2019 का फोल्डर क्रिएट करेगा, फिर 2019 के अंदर वन को क्रिएट करेगा, फिर 2019 के वन के अंदर 29 को करेगा। बस समझ गए? इस तरह से लिखना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये तो फिक्स हो गया ना, हमें तो 2019 के जगह पे वाई लेना था ना, हाँ जी, वन के जगह पे एम लेना था और 29 के जगह पे डी लेना था। तो एक्सेल में दो वैल्यू को ज्वाइन करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2019 है और मैंने मंथ फॉर्मर लगाया, यहाँ पे इक्वल इक्वल मंथ लगाया, और मंथ लगा के इसको सिलेक्ट कर लिया,
तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हम लोग क्या करते थे, एंड परसेंट इस्तेमाल करते थे ना जी, एंड परसेंट, ये दोनों कंबाइन हो गया। तो हम इस एंड परसेंट को VBA में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं 2019 को डिलीट करता हूं और इसके जगह पे एंड परसेंट Y कर देता हूं, और यहां भी मैं 2019 को डिलीट करता हूं, एंड परसेंट Y, फिर एंड परसेंट और स्लैश देना जरूरी है ना हमारा, तो स्लैश और फिर एंड परसेंट हमने कर दिया मंथ। और सेम यहां पे भी एंड परसेंट Y, एंड परसेंट फिर एंड परसेंट स्लैश देना जरूरी है, तो स्लैश फिर एंड परसेंट M, ओके फिर स्लैश देना जरूरी है तो स्लैश और फिर एंड परसेंट हमने कर दिया D। ये तीनों लाइन समझ में आ गया आप लोगों को या सर के ऊपर से गया? आशीष जी, स्लैश स्लैश क्यों लिया सर? ये क्योंकि वी आर सर बात करते हैं, आपको पास में स्लैश नहीं चाहिए होगा। ओके 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 सर, यहाँ पे भी तो हमने स्लैश किया, एक्सेल पे भी किया ना। यस 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 यस, ध्यान से देखिए सर, किया ना स्लैश हमने। स्लैश एक करेक्टर है, एबीसीडी है, तो उसको इन्वर्टर कॉमा में रखना पड़ेगा ना। एक्चुअली पाथ के कारण दिया ना, बेसिकली वी आर मेकिंग फोल्डर इन डी ड्राइव बट इट रिक्वायर्स पाथ। हाँ, पाथ के मुझे पाथ की पूरी फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, देन वी विल गिव अ स्लैश। हाँ, ओके सर, यहाँ एक चीज है, ये कंडीशन चेक कैसे कर रहा है कि हर दिन बनेगा तो उसको तो ये पाथ मिलेंगे एग्जिस्टिंग हमने इफ कंडीशंस। हाँ, अब यहाँ पे एक दिक्कत आ गई, आपने सही क्वेश्चन पूछा कि अगर डी ड्राइव में 2019 नाम के फोल्डर ऑलरेडी होगा हाँ तो एरर देगा, क्योंकि तो किसी भी कंडीशन में एक नाम के दो फोल्डर एक ड्राइव नहीं हो सकते। हाँ, तो ये एरर सही है, ये एरर को रोका तो नहीं जा सकता। तो हमारे पास एक एरर को पास आउट करने का कोड होता है, ऑन एरर, इसको याद कर लीजिएगा, आगे आपको काम आएगा। नेक्स्ट, वो यहाँ पे ऑन एरर नेक्स्ट क्या करेगा कि अगर इस कोड में पहली लाइन में एरर आया है, एरर आने का मतलब क्या है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तभी एरर आएगा, अदरवाइज एरर नहीं आएगा। जब फोल्डर बना है तो बनाना है ही नहीं, तो इसको इसको क्या करेगा, स्किप कर देगा, फिर इस पे आएगा। अगर ए बी फोल्डर बना हुआ है तो इसको भी स्किप करके इस पे आएगा। सर, ये स्किप करेगा या ओवरराइट करेगा? मतलब मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। स्किप करेगा। ओके। एक नाम के दो फोल्डर ओवरराइट नहीं होते ना सर, फाइल ओवरराइट होती है। तो सर जब ये डायरेक्टरी देखेगा वहां 2019 मिलेगा तो वो कुछ ओवरराइट नहीं करेगा, एरर देगा और वो बोलेगा एग्जिस्टिंग है, तो हमने उस एरर को इग्नोर कर दिया, तो हम ये मान रहे हैं कि 2019 हमारे लिए क्रिएटेड है। हाँ, अगर दो एरर दिया तो इसका मतलब है कि ये जो एरर देगा तो ये काम करेगा, उस लाइन को स्किप करके नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, अमेरिका हुआ ना, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, तो उससे क्या हुआ, आपका माइक्रो रुकेगा नहीं, वो बढ़ता चला जाएगा, एरर वाले कोड को स्किप करते हुए चला जाएगा। और सर एक चीज लास्ट में मुझे फाइल क्रिएट करना है ना, क्या लिखूंगा मैं, वर्क बुक्स डॉट एड, और जैसे हमने कल बताया था सेव एज, और पाथ कौन सा होना चाहिए, यही पाथ होना चाहिए, पाथ पेज, लेकिन लास्ट में फाइल नेम भी तो चाहिए इसको। अब फाइल नेम में भी स्लैश होता है तो स्लैश लगाया, और हमने यहाँ पे फाइल नेम भी नाम से चाहिए तो डी, और डी के साथ हमने उसका एक्सटेंशन भी तो चाहिए डॉट एक्सएलएस एक्स, स्पेस देना होगा इसमें। ठीक है, और फिर फाइल जो ऐड हुई है वही एक्टिव होगी, एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज। अब बताइए इस मैक्रो में क्या दिक्कत है आपको?
सर एक्टिव वर्कबुक क्यों होगी ये? वर्कबुक ऐड हुआ है तो एक्टिव ही होगी ना, तो ये डेस्कटॉप पे ही सेव्ड होगी ना, ये ओपन भी करेगा इसको? वो डेस्कटॉप पे सेव होगी, इस लोकेशन में सेव होगी ना, लोकेशन पे, इस हाँ हाँ ओके फाइल ऐड हुई, हमने फाइल ऐड किया है सेव करते हुए, जैसे कल मैंने कोड बताया था, कल शायद लग रहा है आपने कल की कोड प्रैक्टिस नहीं किया क्या? नहीं सर वो समझ आ रही है चीज, लेकिन ये आपने बोला था कि ऑलरेडी जैसे डेस्कटॉप पे आइकन बनाया हुआ है सेव्ड है फाइल, तो वो क्रिएट करेगा, इस कमांड से ये ओपन भी कर रहा है, मतलब एक्टिव वर्कबुक ओपन कर देगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। हमने बताया जैसे राइट क्लिक करते हैं ना, हाँ हाँ फाइल बनाते हैं, लेकिन जब फाइल के जरिए फाइल बनाओगे तो ओपन होगी होगी ना, आप राइट क्लिक करके फाइल तो ही बना रहे हो, राइट क्लिक करके फाइल बनाने का मतलब है कि आप फोल्डर के थ्रू जा रहे हो ना, बट यहाँ तो आप फाइल के थ्रू एक्सेल के थ्रू हो ना। सर कंट्रोल एन करते तो नई फाइल आती है, आज वही कंट्रोल एन कर रहा है ये, लेकिन कंट्रोल एन के साथ वो सेव कर रहा है। जी सर ठीक है, ठीक है हाँ जी, और किसी को डाउट? एक बार इसको टेस्ट कर ले, टेस्ट नहीं होता टेस्ट कर लेते चलिए इसको रन करता हूं मैं, आप देखिए कहां गया, डी ड्राइव के अंदर में 2019 का फोल्डर परफेक्ट, 1 का फोल्डर परफेक्ट, 29 का फोल्डर परफेक्ट, एंड 29 का फाइल इज अ परफेक्ट। अगर मैं मान लीजिए 29 को डिलीट कर देता हूं मैं इसको, फिर मैं इसको रन करता हूं, तो देखिए इसने फाइल बना दिया, फोल्डर इसका दस रहा, क्लियर है सर? आशीष जी, दीपक जी, हाँ जी सर क्लियर है, क्लियर है। अब मैं ए फाइल ए कोड आप लोगों को मैं भेज रहा हूँ, रिकॉर्डिंग तो आपने कर ही लिया है, अभी कोड मैं आपको भेजता हूँ ताकि आप लोग जो है इससे रिलेटेड कुछ बनाए। तो ऑलमोस्ट यही है सर, लेकिन मेरा जो रिक्वायरमेंट है लाइक यहाँ तक ठीक है, सर्वर से डाटा अपलोड करते हैं एवरीडे, शाम को जब सेव करते हैं जो डाटा अपलोड किया हुआ है फ्रॉम द सर्वर उसी डाटा को उस डेट का नाम पे मुझे सेव करना पड़ता है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने फाइल बना रहे हैं उसके बाद जो भी डाटा उसके अंदर चिपका रहा है, ये कर रहे हैं ना? अब पहले फाइल बना रहे हैं। हाँ जी, तो मेरा केस में क्या है, इवनिंग तक हमें डाटा अपलोड करते हैं उस डेट का सर्वर से, उसको उस डेट पे डेट के नाम पे सेव करते हैं हमने, तो उसके लिए भी सोचना पड़ेगा क्या एडिशनल लाइन ऐड करना है इसमें कोड में। सोचेंगे ना, फिलहाल अभी तो अभी लर्निंग पोजीशन पे है, अभी आगे पढ़ रहा है, मेरा बेटा 4 साल का है, मैं उसको 40 थोड़ी याद करवा दूंगा। हाँ जी, कुछ आइडिया मिला अभी मुझे। हाँ धीरे धीरे आइडिया मिलेगा। सर आपकी ईमेल आईडी क्या है राव जी? हाँ जी, मेरा vsrblr@gmail.com, v for victory, आयर नीचे आ रहा है ये ना, और नीचे अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा मैं vs भूल जाता हूँ, और आशीष नितिन और कौन है, दीपक जी, दीपक जी आपकी आईडी क्या है? यही है ना सर? हाँ दीपक, हाँ वही है सर। और सुधांशु? SUDH, SUB, हाँ पहला वाला ही है यही सर, बी डाल दिया आपने, डी है डी, हाँ ये वाला। चलिए कोड मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, ठीक है? हम कल सीड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है सर? मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके बाय।
थैंक यू सर, थैंक यू।